वहीं लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। लखनऊ में कोहरे का कहर लगातार जारी है। कोहरे के चलते कई ट्रेनों को बदला गया है, समय में बदलाव हुआ है। लखनऊ की चार बाग रेलवे स्टेशन से ट्रेनें लगभग 18 घंटे लेट हैं। घने कोहरे की वजह से बसों के समय में भी बदलाव किया गया है। कोहरे की वजह से लखनऊ में भी यातायात बाधित हुआ है। ट्रेनों के समय में बदलाव हुआ है, 18 ट्रेनें लेट हुई हैं। कोहरे का कहर लगातार जारी है। घने कोहरे की वजह से बसों के समय में भी बदलाव किया गया है। अखिलेश हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। अखिलेश, क्या कुछ जानकारी है आपके पास इस वक्त, कोहरे के क्या हालात हैं लखनऊ में? उत्तर प्रदेश में कोहरे का कहर लगातार जारी है और कोहरा और धुंध छाने की वजह से ट्रेनों के समय में लगातार लेट हो रही है। बसों का भी आवाजाही पर पूरा तरह से असर पड़ा है। उत्तर प्रदेश चारबाग रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली ट्रेनों के अगर समय सारणी पर देखा जाए तो करीब 1.5 दर्जन से अधिक ट्रेनें ऐसी हैं जो 8 घंटे से लेकर 18 घंटे की देरी से चल रही हैं और यहां पर यात्री जो लगातार है वो चारबाग रेलवे स्टेशन पर उनके इंतजार करते रहते हैं, टिटोरते रहते हैं उस तरह की वह। और अगर इन्हें ध्यान दिया जाए तो लंबी दूरी वाली जो चलने वाली ट्रेनें हैं वो खासकर सबसे अधिक लेट चल रही है। चाहे अवध आसाम एक्सप्रेस है, करीब 18 घंटे लेट चल रही है। बिहार संपर्क क्रांति ट्रेन है, वो 10 घंटे लेट चल रही है। वैशाली एक्सप्रेस 9 घंटे लेट चल रही है। इसी प्रकार हम सफर एक्सप्रेस 15 घंटे लेट चल रही है। साबरमती 16 घंटे लेट है। गोरखधाम एक्सप्रेस 18 घंटे लेट है। दिल्ली से आने जाने वाली नौचंदी एक्सप्रेस करीब 5 घंटे लेट चल रही है। अवध आसाम 12 घंटे है। इसी प्रकार देखा जाए फरक्का एक्सप्रेस 8 घंटे लेट चल रही है और दून एक्सप्रेस 3 घंटे लेट लखनऊ पहुंची है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों को देखा जाए तो रातकालीन सेवा की लखनऊ से दिल्ली के लिए करीब 0.5 दर्जन बसें चलती हैं, उनके समय में परिवर्तन किया गया, उनको दिन में चलाया जा रहा है या फिर रातकालीन सेवा को निरस्त किया गया है। इनमें स्कैनिया एसी बस है, वोल्वो एसी बस है, जनरल एसी बस है, सेवा एक्सप्रेस सेवा और सामान्य यात्री बस सेवाएं भी शामिल है जिनको निरस्त किया जा रहा है या फिर उनके समय में परिवर्तन किया जा रहा है। पहले जो करीब 0.5 दर्जन बसें एसी की लखनऊ से दिल्ली जाया करती थी और दिल्ली से लखनऊ आया करती थी उनके समय में पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया गया। रात्रिकालीन सेवा में सिर्फ एक दो बसों को अभी जाने दिया जा रहा है क्योंकि वो लेट चल रही है ट्रेन। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश इस जानकारी के लिए। अखिलेश बने रहे आप हमारे पास, जल्द लौटते हैं आपके पास।